जय गुरु। आज के आलोचना विषय पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा और आचार्य देव श्री श्री दादा ने आर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन और पाइल्स को कैसे घरोई उपाय में चिकित्सा करेंगे या क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या खाएंगे, उसके बारे में आलोचना कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। शिवानंद लाल भाई को बड़ पुआ आसी प्रणाम करी बसले। तंका आंठुरे व्यथा पूज्यपाद बड़ दादा मैंने आचार्य देव श्री श्री दादा से प्रसंगे कहले गोटे औषध अच्छी मेथी चूर्ण गरम पानी दे खाइले गंठीपात कमी जाए। मेथी चूर्ण गरम पानी में खाने से जॉइंट पेन कम हो जाएगा से व्यवहार करुची। शुणी खेसारी बा चना साग खाइले व्यथा कमी जाए। चना डाल की पत्ता की सब्जी करके खाने से भी ठीक होता है। राजू को बा शिवानंद का डाक नाम हूँ राजू। कही सुंठी जितने दिल्ली जाए ता संगे जीवु चिकित्सा कराई आसबू से किंतु जापारानी व्यथा कमीगले मन कैसे भल हो आचार्यदेव श्री श्री दादा कहले बिछुआदि पत्र घीर भाजी खाइले भी एथा कमिजी। श्री श्री बड़दा कहते बिछुआदि पत्र दुई प्रकार अच्छी गोटे प्रकार है लंबा लंबा पत्र। कार्तिक भाई कहते खूब कुंडे हुए। श्री श्री बड़दा कहते हाँ आउ गोटे पत्र अच्छी सेटा भी कुंडे हुए। गोटे लता भली अच्छी आउ गोटे बुदा भली अच्छी। अतपर पूज्यपाद श्री श्री दादा कहले पाइल्स जदि थाए से संगे गंठीपात थिले ओलु पोड़ा खाइले निर्घात कमीजी। जॉइंट्स पेन के साथ पाइल्स होने पे अरबी को आग में जला के उसको खाना है तब वो ठीक होता है। श्री श्री बड़दा शिवानंद कहले खाइबू ओलोर यही औषधटा। आचार्य देव श्री श्री दादा शिवानंद प्रसाद दादा को कहले 50 ग्राम ओलोर चारिपाखे मटी बोली निरे पोड़ा को हम पोड़ा ओलुअर मटी छड़े परिष्कार करी घी दे चकटी खाइबा को हम। शिवानंद दादा एठार ओलुओ मिलेना राधाकृष्ण भाई कहते खबर नहीं अणा जापे। श्री श्री बड़दा कहते पाइले किए जाने खाइब कि ना। शिवानंद हाँ आज्ञा खाइबी। जय गुरु।